नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। बुलंदशहर जनपद के थाना गुलावटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 3 शातिर अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की हुई 2 मोटरसाइकिलें व 5 स्कूटी एवं अवैध असलहा बरामद होने का दावा किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक ने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ वाहन चोर मेरठ बुलंदशहर हाईवे स्थित गुलावटी क्षेत्र में जिंदल फैक्ट्री के पास रेलवे लाइन के निकट बने एक गड्ढे में चोरी किए हुए वाहनों के साथ छिपे हुए हैं। पुलिस ने मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर 3 वाहन चोरों को चोरी की हुई 2 पैशन प्रो मोटरसाइकिल, 5 स्कूटी व अवैध असलाह, 1 तमंचा 315 बोर व 1 जिंदा कारतूस, 2 अवैध छुरी के साथ दबोच लिया। प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक ने बताया कि गिरफ्तार चोरों ने पूछताछ में अपने नाम व पता फैजान उर्फ कल्लू पुत्र फरीद निवासी ग्राम बदरपुर खादर थाना ट्रॉनिका सिटी लोनी गाजियाबाद तथा अमित पुत्र जतनपाल व चिंटू पुत्र रणसिंह निवासी गन नूरपुर की मंडैया थाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर बताए हैं। गुलावटी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर 3 आरोपियों को जेल भेज दिया। गुलावटी पुलिस की गिरफ्त में बैठे अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर सदस्य क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह पकड़ा गया है, क्या हुआ? ये बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र में ये 3 अपराधी पकड़े गए हैं जो अंतरप्रांतीय वाहन चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। इसका जो गैंग लीडर है फैजान, वो गिरफ्तार किया गया है, लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। 2 साथी अमित और पिंटू जनपद बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 5 स्कूटी और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अवैध असलाह, तमंचा, कारतूस आदि भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आपराधिक इतिहास है जो गुलावटी वाले हैं? आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। जो गैंग लीडर फैजान है उसके विरुद्ध 1 दर्जन के आसपास मुकदमे वाहन चोरी से संबंधित अलग अलग जनपदों में दर्ज है।